नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। राजद के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है और इसकी खबर अब सबको लग चुकी है। ये बात साफ साफ नजर आ रही है कि जगदानंद सिंह इस बार आरजेडी से खासा नाराज हैं। इसीलिए आरजेडी के दो दिवसीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय बैठक में वो शामिल होने दिल्ली भी नहीं पहुंचे। यहाँ तक कि बैठक से पहले जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें दिल्ली बुलाया था बातचीत करने के लिए, समझाने बुझाने के लिए, तो वो उस वक्त भी दिल्ली नहीं गए। किसी के वो संपर्क में नहीं है और ना ही किसी से संपर्क करना चाहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जगदानंद सिंह जदयू से बेहद असहज महसूस कर रहे हैं। जब जब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की आत्मीयता नीतीश कुमार से बड़ी है, तब तब जगदानंद सिंह को ये बात रास नहीं आई है और नाराजगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो सबसे पहले अपने बेटे सुधाकर सिंह का इस्तीफा लेकर खुद तेजस्वी यादव के पास पहुंचे, जहां पर सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार में कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जगदानंद सिंह ने अपने त्याग पत्र का प्रस्ताव आरजेडी के सामने रख दिया और आरजेडी में खलबली मच गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि लालू प्रसाद यादव और जगदानंद सिंह की इतने सालों की दोस्ती में आखिरकार किसने खलल डाल दी कि जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद यादव आज दो अलग अलग मोड़ पर खड़े हैं। ये दो नेताओं का साथ सालों पुराना है। लगभग चार दशकों से जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव के साथ काम कर रहे हैं। आरजेडी के शुरुआती दिनों से वो सहयोगी रहे हैं। आरजेडी में गार्जियन के रूप में उन्हें देखा जाता है, लालू यादव के बेहद करीबी हैं। तो ऐसे में जब सब कुछ ठीक चल रहा था, जब माहौल इतना पारिवारिक था, जगदानंद सिंह गार्जियन के रूप में थे, तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया अचानक से कि जगदानंद सिंह ने लालू यादव से राहें अलग करने का फैसला ले लिया है। हालांकि जगदानंद सिंह ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है, लालू परिवार ने चुप्पी साध रखी है, पर स्थिति तो सबको साफ साफ नजर आ रही है। आखिरकार वो कौन सा व्यक्ति है जिस वजह से इन दोनों के बीच दरार आ चुकी है और आज बात इतनी बढ़ गई कि जगदानंद सिंह लालू यादव के बुलाने पर भी दिल्ली नहीं पहुंचे। वो जगदानंद सिंह जिन्होंने तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया था, वो दिल्ली नहीं गए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने शिरकत नहीं की और अब आज जब लालू प्रसाद यादव की 12वीं बार ताजपोशी होनी है, तो इतने बड़े मौके पर जगदानंद सिंह उपस्थित नहीं होंगे, जो कि एक बड़ा सवाल है और एक बड़ी बात है। एक बड़ा सवाल जो तरह तरह के कई अन्य सवालों को आरजेडी के भीतर खाने पैदा करने की कोशिश कर रहा है। क्या आरजेडी के भीतर सब टूट जाएगा? क्या जगदानंद सिंह पार्टी से बाहर हो जाएंगे? और आखिरकार वो कौन सी कड़ी है, वो कौन सा व्यक्ति है जिसने नौबत यहाँ तक ला दी कि जगदानंद सिंह और लालू परिवार दोनों दो राहों पे खड़े हैं? दरअसल बिहार की राजनीति में जब सियासी रिश्तों की कहानी लिखी जाएगी तो उसमें दो नाम जरूर होंगे। एक राजद सुप्रीमो लालू यादव का, दूसरा राजद के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का। राजनीति की रपटीली राहों पर ये दोनों नेता संतुलन के साथ चलते रहे और रिश्ते की तासीर को जिंदा रखा। पार्टी स्थापना के बाद से लगातार 12वीं बार आरजेडी की कमान संभाल रहे लालू अभी सहज ही हो रहे थे, तब तक जगदानंद सिंह के इस्तीफे की चर्चा ने उन्हें भी असहज कर दिया। लालू यादव अपनी पार्टी में दो लोगों को सबसे ज़्यादा सम्मान देने के लिए जाने जाते हैं। उनमें स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह और जगदानंद सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। समाजवादी राजनीति के सरोकार वाले रास्ते पर चलने वाले जगदानंद सिंह बहुत पहले से लालू के करीबी हैं। महागठबंधन की सरकार से बेटे और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद से जगदानंद सिंह बेहद उदास है। हालांकि राजनीति में उदासी की चर्चा ज़्यादा नहीं होती, लेकिन यदि नेता किसी बात से व्यथित हो जाए तो वो सियासी चर्चा बन जाती है। जगदानंद सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वे सुधाकर सिंह प्रकरण के बाद व्यथित हैं। सियासी जानकार इसके पीछे सबसे बड़ा कारण लालू नीतीश की बढ़ती करीबी को मानते हैं, जिसकी वजह से जगदानंद सिंह बेहद असहज महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि जगदानंद सिंह लालू यादव के नीतीश के करीब जाने से परेशान हैं। उन्होंने पहले भी लालू के नीतीश के साथ जाने के पक्षधर नहीं रहे हैं। इससे पूर्व भी जब कभी तेजस्वी और नीतीश के बीच रिश्ते में प्रागढ़ता आई है, जगदानंद सिंह कटु बयान देने से नहीं चूके। वही जब जब तेजस्वी ने नीतीश पर हमला बोला, जगदानंद सिंह खुशी से तेजस्वी के पक्ष में बयान देते रहे। सियासी चर्चा है कि इस्तीफे की चर्चा से लालू यादव ने जगदानंद सिंह को दिल्ली तलब किया है। दोनों नेताओं की दिल्ली में विशेष मुलाकात होनी थी, लेकिन वो नहीं हो सकी।
जगदानंद सिंह अपनी ही पार्टी से नाराज हैं और उन्हें मनाने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव ने जहां सबसे पहले उन्हें दिल्ली बुलाया और जगदानंद सिंह नहीं पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ राजद के कई नेताओं ने जगदानंद सिंह के साथ संपर्क साधने की कोशिश की पर संपर्क नहीं हो सका। उन्हें मनाने की कवायद इसीलिए भी जारी रहेगी क्योंकि आरजेडी का टारगेट साल 2024 है और जहां तक कि तेजस्वी यादव ने भी ये साफ कह दिया है कि वो हर किसी को खुश नहीं रख सकते, तैयारी साल 2024 की उन्होंने शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, लालू परिवार ने इस बार ये भी ठान लिया है कि अगर जगदानंद सिंह मान गए तो ठीक, वरना उनके लिए पार्टी से बाहर का रास्ता भी खुला है। तो क्या ये जो दरार है और ये जो दूरियां हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वजह से आ गई है? क्या ये जो राहें अलग हो रही हैं जगदानंद सिंह की आरजेडी से, लालू परिवार से, क्या वो जदयू के करीब होने से हो रही है? इतने असहज जगदानंद सिंह महसूस क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।